महाकाल दोस्तों, अगर आपने सपने में नीलकंठ पंछी को देखा है तो यह भगवान शिव का दूसरा रूप भी बताया गया है, क्योंकि जब समुद्र मंथन से विष निकला था तब अगर उस विष को धरती पर गिरा दिया जाता तो पूरी पृथ्वी नाश हो जाती और स्वर्ग में कोई देवता भी नहीं बचते, क्योंकि ये बहुत ही भयानक विष था, जिसके कारण उसको शिव भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। और जब दशहरे के दिन राम भगवान ने रावण का वध किया था तब उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, जिसके कारण कि ब्राह्मण की हत्या करने का पाप लगने के कारण उन्होंने पूजा अर्चना की और उसमें शिव भगवान उन्हें नीलकंठ पंछी के रूप में दर्शन दिए। तभी से नीलकंठ को पंछी को भगवान शिव का दूसरा रूप माना जाने लगा, और यही कारण है कि इस पंछी को अगर आपने सपने में देखा है तो आप यह समझ जाएं कि यह बहुत ही शुभ सपना है, और यह सपना आपको यह बताना चाहता है कि आने वाले समय में आपको सुख शांति समृद्धि और आपके हर एक कार्य क्षेत्र में आपको उपलब्धि हासिल होगी। यह सपना बहुत ही शुभ सपना माना गया है। आपके शत्रुओं का नाश होगा और आप हर एक कार्य में आगे बढ़ेंगे और आपका उन्नति होनी निश्चित है। आपके दुश्मन आपसे पराजित होंगे और आप धन धान्य से संपूर्ण हो जाएंगे और आपका कार्य क्षेत्र में आपका कार्य अच्छे से चलेगा और आपको हर एक खुशियों की प्राप्ति होगी। यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है। अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप या आप शिव भगवान के ओम नमः शिवाय का जाप करें तो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि आपको इस सपने का अधिक फल मिलेगा और आप काफ़ी उन्नति करेंगे और आपका कार्य व्यवसाय भी विस्तार में फैलेगा। यह सपना आपको यह बताना चाहता है कि अगर आपने ऐसा सपना देखा है तो आपको भगवान शिव की पूजा चालू कर देनी चाहिए और आप उनके ऊपर अपना सारा जीवन छोड़ दो और आपका हर एक कार्य अच्छे से होगा। यह बहुत ही शुभ सपना माना गया है। जय श्री महाकाल दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe and share.